तो बढ़िया है। हमारे जो भैया है बड़े दिनों बाद मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं तो कुछ अच्छी बातें ही होती है। नहीं लेकिन हमारे भैया आज मिल गए, यात्रा स्पेशल हो गई है। दोस्तों जय हिंद, कैसे हैं आप सब। आज हम हैं अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में, और पीछे हमारे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। कल हम लोग दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली से नोएडा चले गए थे। हमारा जो ऑफिस है, फिल्म सिटी में ऑफिस है, वहां गए, वहां से काम किया। लेकिन जब हम 11 बजे ऑफिस पहुंचे तो एकदम याद आया कि कल की यात्रा, कल की जर्नी की टिकट करनी है, टिकट थी नहीं। तो फिर तत्काल ट्राई किया तो निजामुद्दीन इंदौर एक्सप्रेस में तो टिकट बनी नहीं। उसके बाद फिर एक स्पेशल ट्रेन दिखती है उसमें पोर्टल पर IRCTC के, जो कि नई दिल्ली से निकलकर इंदौर जाती है, और उसका रूट रहता है यहाँ से कोटा, मथुरा और रतलाम होते हुए इंदौर जाती है। तो उसमें ट्राई किया तत्काल, तो उसमें भी नहीं बना। उसके बाद फिर प्रीमियम तत्काल में गए, तो प्रीमियम तत्काल का टिकट बन गया, और उससे हमारी कंफर्म टिकट बन गई, तो हम लोग थोड़ा टेंशन फ्री हो गए। फिर उसके बाद ऑफिस में मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद हम लोग ऑफिस से फ्री हुए। फिर आज भी हम लोग ऑफिस गए, वहाँ से फ्री होकर सीधे आए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अंदर चलते हैं, आज की यात्रा होने वाली है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंदौर की, क्योंकि हम इंदौर से आए थे तो अब इंदौर ही जाएंगे। और इस बार का जो रूट रहेगा वो भोपाल होके नहीं है, ये रूट रहेगा मथुरा, कोटा, रतलाम होते हुए इंदौर का। तो ये ट्रेन अभी 7:15 पर यहाँ से निकलेगी, और उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 इंदौर पहुँचती है। तो देखते हैं इस ट्रेन की यात्रा कैसी रहती है। पहली बार मैं इस ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर डिस्प्ले में देखा है तो प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर ट्रेन लगी हुई है। तो चलते हैं, स्टेयर सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। उसके बाद ट्रेन देखते हैं कहाँ लगी है, अपने कोच की पोजीशन समझते हैं, और बर्थ पर जाकर सामान रखेंगे, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। अभी ये प्लेटफॉर्म संख्या 1 है नई दिल्ली का। पीछे शताब्दी खड़ी है, चंडीगढ़ शताब्दी है, नई दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेस, जो कि चंडीगढ़ जाएगी। और हमारा ये रास्ता है, इधर से रास्ते से ऊपर चलते हैं और प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर चलकर फिर आगे की चर्चा करते हैं। ऊपर आ गए हैं सीढ़ी चलकर, उसका पीछे है प्लेटफॉर्म संख्या 8 का रास्ता, वहाँ 8 पर जाएंगे, क्योंकि 4 और 5 पर दूसरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, राजधानी खड़ी है, शताब्दी खड़ी है, और हमारी ट्रेन लगी है 8 नंबर पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी दिख रही हैं, साफ़ सफाई अच्छी है। सामने वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 9, और यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी है, साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी है। ये सीढ़ियाँ ऊपर ब्रिज पर जाने के लिए, प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए। प्लेटफॉर्म संख्या 9 पर, सॉरी 10 पर ये वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी हुई है। यह ट्रेन नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक की यात्रा पूरी करेगी। भाई साहब बहुत भागम भागी की, बहुत ऐसा लगा कि हम लेट हो गए हैं स्टेशन आने में, लेकिन ट्रेन में अभी फ़िलहाल इंजन नहीं लगा है, और अभी इंजन लगना ट्रेन के अंदर बाकी है। इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस खड़ी हुई है, 20958 गाड़ी संख्या है। फाइनली ट्रेन के पास पहुँच गए हैं, अपनी सीट पर सामान रख दिया है, और हमें तो ये लग रहा था ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे ऑफिस से, और दौड़ते भागते स्टेशन पहुंचे। और क्योंकि प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 8 तक आना, 8 के बाद ट्रेन में आगे की ओर उतर जाना पुल से, और फिर पीछे की ओर अपना कोच है तो पीछे की ओर पैदल चल के आना। उसके बाद हम आए और अपना सामान रखा है, साथ ही सामान देख रहे हैं, सामान अपना छोड़ना नहीं चाहिए किसी के भरोसे, लेकिन हमारे मित्र हमारे साथ जर्नी करते हैं तो उनके भरोसे हम छोड़ के आए हैं सामान। ट्रेन फाइनली डिपार्च हो चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर आज कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है। लोग बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों का, अपनी अपनी ट्रेनों का। बैठने के व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, इस तरफ अंदर की ओर है, तो लोग वहाँ पर बैठे हैं क्योंकि भीड़ वहाँ भी ज़्यादा है। 16 प्लेटफॉर्म है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मैंने आपको बताया था ना प्लेटफॉर्म ज़्यादा है, देखो 14-15 सामने दिख रहे हैं और 16 एक और लास्ट में दिख रहा है। तो यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 16 प्लेटफॉर्म है, सब पर लगभग गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ पर रुकती नहीं है।
ट्रेन में बढ़िया घटनाएं घट रही हैं, अभी नीचे चाय डुल गई है और हमारे आईटी एक्सपर्ट आए हैं, गुड़गांव में जॉब करते हैं भैया और आज हमारे साथ इंदौर की यात्रा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया आज की यात्रा? बहुत ही शानदार, ये इतना सुखद सफर हो रहा है हमारा आपके साथ में कि हमें मज़ा आ रहा है। बस चले थे गुड़गांव से तो मेट्रो से और न्यू दिल्ली से हम आपके साथ हो गए। बिल्कुल सही, अपनी यात्रा रही। धन्यवाद आपका। तो मिश्रा जी कहाँ मिल गए आपको आज? क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी? परम मित्रों से मिल गया कहता खुशी की अनुभूति हो रही है। आज वैसे मिश्रा जी का ANI ने इंटरव्यू भी लिया है, हम लोग कनॉट प्लेस पे थे तो ANI वाले आए और नहीं आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है BBC पे जो रेड हुई IT की, उसके बारे में उनसे पूछा गया और अब खाना खाएंगे, खाना टंगा हुआ है। ट्रेन पहुंची है अपने पहले स्टॉप पर, पहला स्टॉप है मथुरा स्टेशन, मथुरा जंक्शन। आज यात्रा में मिल गए हमारे रोबिन भाई इंदौर के, वो इंदौरी, इनका चैनल है और भैया बहुत फेमस हैं, स्टार हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर। हाँ रोबिन भाई, तो बढ़िया है, हमारे जो भैया है बड़े दिनों बाद मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं तो कुछ अच्छी बातें ही होती है। नहीं, लेकिन हमारे भैया आज मिल गए, यात्रा स्पेशल हो गई है और अपने इंदौर का कोई व्यक्ति मिल जाता तो और बढ़िया बात हो जाती। बढ़िया बात हो जाती, और हम तो स्पेशली मथुरा से वृंदावन से दर्शन करके आ रहे हैं। तो दर्शन बढ़िया हुए आपके? बहुत बढ़िया हुए, बहुत बढ़िया। तो हम आज सोच ही रहे थे हमें कोई अपने इंदौर का मिलने वाला, तो भैया रोबिन भाई मिल गए तो और ही मज़ा आ गया यार, यात्रा स्पेशल हो गई हमारी। और वैसे ट्रेन इंदौर जा रही है तो इंदौर के तो काफ़ी लोग मिल जाएंगे। ठीक भाई रोबिन भाई, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, ट्रेन पहुंच गई है इंदौर जंक्शन पर, अपने टाइम से पहुंची है और 15 मिनट बिफोर ही आ गई है यहाँ पर। तो भाई लोगों, दोस्तों, ये ट्रेन बहुत बढ़िया है इंदौर आने के लिए, इसका रिव्यू इसलिए बहुत अच्छा है कि तो क्लीन गाड़ी है और टाइम की बिल्कुल निर्धारित समय से चलती है, जबकि लेट थी रतलाम में 15 मिनट, लेकिन इंदौर 15 मिनट बिफोर पहुँच गई है। तो आने के लिए, दिल्ली से आने के लिए ये ट्रेन बहुत अच्छी है और पंक्चुअल ट्रेन है, इस ट्रेन से आप आ सकते हैं, इसमें ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है इसके, ये चलती है तो भरतपुर जंक्शन, सवाई माधोपुर, कोटा, मथुरा होते हुए, रतलाम होते हुए इंदौर आ जाती है। तो गाड़ी बहुत बढ़िया है, आप इस गाड़ी से आ सकते हैं। और हमने आपको दूसरी ट्रेन भी बताई है, वो सुबह 10 बजे इंदौर आती है, इसको जल्दी आना है, वो इस गाड़ी से आ सकता है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।